लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेट किया था। अगर आज हमें ये बताना हो कि कोई जो पॉइंट है, जो ये हमारा स्प्रिंग था और इस स्प्रिंग की इस मोशन को, इसके साथ जो मेरा अटैच है, इसकी मोशन को हम लोगों ने सर्कल में मूव करते हुए एक पॉइंट की मोशन से इस तरह से रिलेट किया था कि हमने कहा था ये पॉइंट जो है पॉइंट पी, जब ये इस पॉइंट से स्टार्ट करके पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो इसका जो प्रोजेक्शन बनता है पी डैश, वो इस तरीके से बनता है कि वो फिक्स पॉइंट के आगे पीछे अपनी हरकत को बार बार दोहराता है और बार बार हरकत रिपीट करने से हमारे पास इस तरह की एक वेवफॉर्म बन जाती है। अगर आज हमें ये बताना हो कि किसी भी एक टाइम इंटरवल में, किसी भी एक टाइम में जो ये पॉइंट पी है, लेट्स से कि ये टाइम इंटरवल पी के अंदर यहाँ से मूव करता करता लेट्स सपोज कि यहाँ पर आ जाता है, एक एंगल थीटा भी बना लेता है, तो इस सिचुएशन में हमें मालूम है कि इसका जो प्रोजेक्शन है, अगर ये पी यहाँ से मूव करता करता यहाँ पर आ जाए तो हम कह देते हैं कि लेट्स से किसी कह देते हैं पी डैशन यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ आ गया, तो यहाँ पर आके जो इसका प्रोजेक्शन बनता है वो बिल्कुल इसके सामने वाली लाइन पर मूव बनता है इस तरीके से। तो अगर हमें ये बताना हो कि इसका जो प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्शन बन रहा है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हमें वो बताना हो, डिस्प्लेसमेंट एक्स बताना हो कि इसके प्रोजेक्शन ने इस मेन पोजीशन के आगे पीछे कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, अगर हमें ये बताना हो तो हम उसे किस तरीके से बताएंगे, हम उसे इस तरीके से बता सकते हैं। जैसे कि आप इस एनिमेशन पर गौर कीजिए, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये देखा था कि जो प्रोजेक्शन मूव एक पॉइंट जो है ना सर्कुलर पाथ मूवमेंट शो करता है, तो उसका जो प्रोजेक्शन है आप गौर करें तो ये वाली जो लाइन है जो इस वर्टिकल लाइन पर आ रहे हैं प्रोजेक्शन, वो इसी तरह अपनी हरकत को बार बार ऊपर नीचे दोहरा रहा है, जबकि ये जो पॉइंट पी है ये एक पूरी रोटेशन कम्प्लीट कर रहा है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन जो है वो इस तरीके से बन रहा है कि वो एक ही पॉइंट पर, यानी कि इस वर्टिकल पोजिशन पर ही अपनी हरकत को बार बार दोहरा रहा है। अब आप एक चीज़ पर गौर कीजिए, तो ये देखिए, अब जैसे जैसे ये मूव करेगा, मुझे इसे स्टार्ट से करना चाहिए जी, अब देखिए जैसे जैसे ये मूव करता जा रहा है, हमारी भी ये जो बनने वाली वेव है ये भी आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज करती चली जा रही है, और हमने यही बात अपनी लास्ट वीडियो में कही थी कि जब ये एक हिस्सा कम्प्लीट कर लेता है, यानी कि एक क्वाड्रेंट कम्प्लीट कर लेता है, तो हमारी जो है वो लैम्डा बाय फोर वेवलेंथ कंप्लीट हो जाती है, और ये जो वेवलेंथ है ये टी बाय फोर टाइम पीरियड में कंप्लीट होती है, और जिस तरह से ये अपनी मोशन आगे करता चला जाता है, यानी कि इस पॉइंट पर आता है, एक हाफ जो है 180 एंगल कवर कर लेता है, यानी कि टू क्वाड्रेंट कंप्लीट कर लेता है, तो हमारे पास जो है कंप्लीट वेव बन जाती है, कंप्लीट नहीं बल्कि एक हाफ वेव बन जाती है, और ये हाफ वेव कब बनती है, टी बाय टू टाइम पीरियड में, क्योंकि एक वेव की कंप्लीट होने में तो एक टाइम इंटरवल टी लग गया, अब चूंकि आधी वेव कंप्लीट हुई है तो हमारे पास जो टाइम है वो टी बाई टू है। अब एक चीज़ पे गौर कीजिए कि अब फिर वेव का जो ये जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन आप इसके प्रोजेक्शन पे गौर करिए कि प्रोजेक्शन कहाँ पे बनता है, प्रोजेक्शन देखिए तो उसी पॉइंट पर, अभी यहाँ पर आ गया ना, तो हमारी वेव के तीन हिस्से कंप्लीट हो गए और ये मजीद ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारा प्रोजेक्शन तो इसी लाइन पर बरकरार है, यानी कि प्रोजेक्शन की मोशन बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह है, और इस तरीके से बार बार ये अपनी मोशन को दोहराता है, इसका प्रोजेक्शन हमेशा इसी लाइन पर आता है, और इस तरीके से हमारी जो है वेव कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी एक टाइम इंटरवल टी में, लेट्स से कि ये टाइम इंटरवल टी है, ये कोई एक एंगल थीटा बनाता है और इस पॉइंट पी पर, इसे पी कह देते हैं, इस पॉइंट पी का पी पर इसका जो प्रोजेक्शन है, लेट्स से कि ये पॉइंट एन पर बना है बिल्कुल इसके सामने, तो ये जो प्रोजेक्शन बन रहा है इसका इस पॉइंट पर, इसके प्रोजेक्शन ने बनने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, यानी कि उसको कितना फासला तय करना पड़ा है, आप देखें तो प्रोजेक्शन जो बन रहा है वो वर्टिकल लाइन पर ही ऊपर नीचे बनता चला जा रहा है। अगर मुझे किसी भी एक स्मॉल टाइम इंटरवल टी के दौरान इसका डिस्प्लेसमेंट बताना पड़े कि जो प्रोजेक्शन पॉइंट पी है इसका जो प्रोजेक्शन किसी भी टाइम इंटरवल टी में सामने की जानी बना है, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, इसे अगर हमें बताना हो तो हम इस तरीके से बता सकते हैं, लेट्स से कि ये हमारा वो सर्कल है और इस सर्कल पे ये वो हमारा पॉइंट पी है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पी है, यहाँ से हमारा पॉइंट पी जो है वो अपनी मोशन स्टार्ट करता है, ये पॉइंट ओ है और ये हमारा सर्कल रहा। अब मैं कहूँ कि अगर किसी टाइम इंटरवल टी के दौरान ये पी जब मूवमेंट शो करता है तो ये यहाँ पर आ जाता है, लेट्स से यहाँ पर आके ये पी डैश हो गया, तो इस पॉइंट पर पहुंच के इसका जो प्रोजेक्शन है ये कोई ना कोई एंगल थीटा भी तो लास्ट मन बनाएगा ना,
क्योंकि अब ये जो है वो वर्टिकल प्लेस से अपनी ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेसेस से थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया है, तो जब भी कोई सरफेस अपनी इनिशियल सरफेस से इंक्लाइंड होती है तो वो एट सम एंगल होती है। अब जैसे ये पॉइंट पी पर गया, पी डैश पर सम टाइम इंटरवल टी में, तो इसका जो प्रोजेक्शन है बिल्कुल इसके सामने बनेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर बनेगा। लेट्स से ये एन है, अब हमें ये बताना है कि इसका ये जो प्रोजेक्शन एन बना है उसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट को एक्स कहा था, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है ये हम किस तरह से निकाल सकते हैं और ये एक्स कितना आता है, हमें ये फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बताना है। ये हमारा पॉइंट पी है जो टाइम इंटरवल टी में मोमेंट शो करता हुआ इस पॉइंट पी डैश तक आ जाता है और इसका जो प्रोजेक्शन है पॉइंट एन पर वो एक्स बनता है, यानी कि इतना डिस्प्लेसमेंट आता है। अब अगर आप इस चीज़ को देखें तो मैं इस चीज़ को अगर सेपरेटली ड्रॉ करूँ तो मैं इस तरीके से तकरीबन ड्रॉ कर सकती हूँ कि ये हमारा पॉइंट पी है, ये उसका प्रोजेक्शन पॉइंट एन, ये जितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रैवल किया है अपनी मेन पोजीशन ओ से प्रोजेक्शन का जो पॉइंट है एन तक आने के लिए, इसे हम लोगों ने एक्स कह दिया, और यहाँ पर एक एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है मेन पोजीशन के साथ, इस तरीके से मेन लाइन के साथ, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल थीटा बन रहा है। अब क्या होता है, मैथ्स में आपको एक थ्योरम याद होगा कि आपने पढ़ा था कि अगर ये कोई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके साथ एक लाइन जो है वो इस तरह से एंगल थीटा बनाया और सिमिलरली एक लाइन इस तरह से है, तो जो एंगल थीटा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है आउटसाइड वही एंगल सेम थीटा यहाँ पर भी फॉर्म होता है, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। अगर ये बात है तो जो एंगल यहाँ पर बन रहा है सिमिलरली वही एंगल हमारा यहाँ पर भी बनता है और वही एंगल सिमिलरली यहाँ पर भी बनता है। इस तरीके से अगर मैं इसे इस तरह से कहूँ कि अब जो मेरा P है उसके पास यहाँ पर एक एंगल थीटा बन रहा है इस पॉइंट पर, ये हमारा N है जहाँ पर हमारा प्रोजेक्शन आकर ठहरा था, जहाँ से हमने प्रोजेक्शन की जो है डिस्प्लेसमेंट उसका जो डिस्टेंस है वो देखना शुरू किया, और ये हमारी मेन पॉइंट O है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है जो इस प्रोजेक्शन ने इस वर्टिकल लाइन के साथ ट्रैवल किया है। और इस ये जो हाइपोटेन्यूज लाइन है ना, इसे मैं कह देती हूँ कि ये एक्स नॉट है, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप एक्स कह सकते हैं, ए बी सी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक्स क्योंकि मैंने इसलिए रखा क्योंकि हम शुरू से सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब से स्टार्ट किया है डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने एक्स रखा है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक्स रख लिया। अब आप एक बात गौर कीजिए कि अगर मैं इस डायग्राम को सीधा करके बनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके की बनेगी, कि इस तरह से ये मैं कोशिश कर रही हूँ इसको बनाने की, कि ये हमारा पॉइंट पी है जिसके साथ एंगल थीटा बनता है, ये एन है और मुझे इससे नहीं बल्कि इस तरीके से कि हमारा जो एन है वो यहाँ पर आएगा और ओ यहाँ आएगा। अगर मैं सीधा करके देखूँ, आपको मालूम है कि ये जो बेस लाइन होती है, बेस लाइन उसे हम लोग कहते हैं कि ये कोस थीटा है, यानी कि कोस वाली लाइन है, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसे हम लोग जो है वो, बल्कि ये वर्टिकल लाइन है और ये आपकी बेस लाइन है। आपको याद होगा कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप लोगों ने मुख्य एंगल और साइड निकालना सीखी थी। ये चीज़ हमें मालूम है कि इस चीज़ को हम लोग बेस कहते हैं। यहाँ पर मैंने सीधा करके इसलिए बनाया ताकि आसानी से मालूम हो सके कि ये चीज़ बेस होती है। बेस के साथ जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर के सामने वाली लाइन होती है जिसके साथ एंगल बनता है इसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप ढूंढे जिनमें ये इसका और इसका रिलेशन आता हो, इन दोनों का रिलेशन आता हो। आपको मालूम है कि जो साइन है, साइन थीटा की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा हमेशा इस तरह से आता है कि उसे हम लोग कहते हैं कि हमेशा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो अगर ये बात है तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो तो ओ एन के इक्वल है और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो ओ पी के इक्वल है। अब अगर इसे मजीद डिफाइन किया जाए तो हमारा जो ओ एन है वो एक्स है जो डिस्प्लेसमेंट है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो एक्स नोड है, और हमारा साइन थीटा जो है अब वो साइन थीटा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स नोड के इक्वल आ गया। अब अगर मैंने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा है, मैंने कोस का रिलेशन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कोस में आपको मालूम होगा हाइपोटेन्यूज जो है वो ऊपर आता है और जो आपका परपेंडिकुलर है नीचे जाता है। अगर मैं ये वाली सिचुएशन ले लेती तो मेरा एक्स नोड ऊपर आना था और एक्स नीचे जाना था,
देखिए मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड तो करना है ये एक्स, तो इसका मतलब इसे डिनोमिनेटर में होना, इसे डिनोमिनेटर में नहीं बल्कि न्यूमिनेटर में होना चाहिए, इसे ऊपर होना चाहिए, ऊपर होगा तो ये वाली चीज़ यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और मेरे पास एक सिंपल रिलेशनशिप निकल आएगा एक्स के लिए, जो डिस्प्लेसमेंट हमने प्रोजेक्शन के लिए फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसे तरतीब से लिखूँ तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि मेरा जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट वो साइन थीटा, यहाँ पे एक्स नॉट साइन थीटा के इक्वल है। अब यहाँ पर एक और बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आपने सर्कुलेटरी मोशन पढ़ा था फिफ्थ चैप्टर में, आप फिफ्थ चैप्टर के अंदर, जी हम यहाँ पे मैं लिख दूँ चैप्टर नंबर फिफ्थ में, आपने सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन के अंदर आपने पढ़ा था कि जो एंगल थीटा बनता है वो हमारे पास जो एंगल थीटा उसके लिए रिलेशन ये होता है कि ये एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होता है। ये एक रिलेशनशिप आप लोगों ने फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा था। अगर मैं इस चीज़ को देखूं कि हमारा ये जो मोशन है ये भी तो एक सर्कुलेटरी मोशन है, ये भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिसमें पॉइंट पी एक सर्कुलर पाथ कवर करता है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन जो है वो इसी पॉइंट पर अपना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, लेकिन कुछ ना कुछ एंगल थीटा तो इसका पॉइंट पी बनाता है ना सर्कुलर पाथ पर रोटेट करते हुए। तो अगर मैं इस थीटा की जगह इस एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम का जो रिलेशनशिप है वो पुट कर दूँ तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो ये है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये वो फाइनल एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू हम किसी भी टाइम इंटरवल टी में किसी भी पॉइंट पर इस पॉइंट पी के लिए इसके प्रोजेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप सो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि हम प्रोजेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और क्यों मैंने साइन का रिलेशन लिया, कॉस और टेन का नहीं लिया, बिकॉज कि हमारा जो एक्स है वो नीचे चले जाता और हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो 1/x की फॉर्म में आता जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं था और मुझे सिंपल एक्स के लिए रिलेशनशिप चाहिए था, इसलिए मैंने साइन को प्रेफर किया और मेरे पास एक्स के लिए जो जो रिलेशनशिप निकला है डिस्प्लेसमेंट के लिए वो ये है कि हमारा जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट है ये जो एक्स नोड है ये हमारे वो एम्पलीट्यूड होता है ना किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट उसे रिप्रेजेंट करता है, कि जो एक्स है वो बिकम्स आ जाता है एक्स नोड इंटू साइन ओमेगा टी के इक्वल। तो इस तरीके से हम लोग एक्स के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट लगा है इस पॉइंट पी के प्रोजेक्शन ने, कितना डिस्प्लेसमेंट मूव किया है। तो होप तो काफ़ी हद तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा।